फाइनली जो है आपको पीएन जो है वो गिवन स्टेटमेंट मान लेना है। इसके बाद जो स्टेटमेंट होगा एन पीएन वो क्या होगा, 2 × 3² फिर होगा 3 × 3³, इस तरह से ये चलता हुआ जाएगा और ये होगा n × 3⁻ इज इक्वल टू, प्रूफ करना है आपको ये 2n-1। अब जो है यहाँ के बाद आपको n इक्वल टू 1 पर देख लेना है LHS क्या होगा और RHS क्या होगा, ठीक है LHS क्या होगा और RHS क्या होगा। तो यहाँ पर LHS में कहीं भी n नहीं है, केवल यहाँ पर n है, तो n × 3⁻ यानी कि फाइनली ये 3 आएगा। और उधर अगर देखें तो 2 × 1−1 × 3⁻¹ करेंगे तो 2 हो जाएगा और +3/4। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 चला गया, 1 में बचा और 3 का स्क्वायर हो गया 9 9+3/4 ये हो गया 12/4 और ये फाइनली कितना आया 3 आया। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो LHS है वो इक्वल टू है किसका, RHS का। और जब ऐसा हो गया तो यानी कि P1 जो है वो क्या होगा बेटा, ट्रू होगा। और जब P1 ट्रू होगा तो मान लेते हैं हम लोग एडमिशन कर लेते हैं कि PK भी क्या होगा बेटा, ट्रू ही होगा, वेयर K बिलोंग्स टू N। इसके बाद PK आपको निकाल लेना है यहाँ से, तो जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ केवल आपको K डाल देना है। तो ये हो जाएगा 1 × 3 2 × 3² 3 × 3³ और इस तरह से ये चलता हुआ n × 3⁻¹ और ये फॉर्मूला इक्वल टू है 2n−1 × 3⁻¹3⁻¹ और फिर है +3। थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा आप लोगों को भी करना है +3, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, नाव के बाद आपको केवल एक स्टेप केवल बढ़ा देना है, वही स्टेप चलेगा बार बार 1 × 3। बिल्कुल मैं बार बार मिस्टेक कर देता हूँ, माफ कीजिएगा भाई। यहाँ पर k है तो ये n के जगह में भी क्या होगा, जहां जहां n वहां वहां k, जहां जहां n वहां वहां k। इसके बाद एक स्टेप बढ़ाना है 2 × 3⁻²। अच्छा फिर है 3³, फिर है इस तरह से ये चल रहा है और ये है k × 3⁻³। अब की बार क्या करना है ना कि एक स्टेप जो है आपको बढ़ा कर देख रहा है, तो जहां पर k था वहां पर केवल आपको k+1 कर देना है, जहां पर k था वहां पर केवल आपको k+1 कर देना है। इसके बाद देखिए कि यहां से लेकर के यहां तक का जो स्टेप है वो तो हमको पता है, चूंकि यहां से जो हम लोग पीके जो लिखे हैं यहां से यहां तक का स्टेप का ये इक्वल टू कितना है, इतना, तो उसको हम लोग केवल रख देंगे ना। इसके बाद क्या करेंगे, सुनो रख देंगे कि 2k−1³³ k+1+3/4 ये चीज हो गया। इसके जगह में जो चीज यहां पर हमको मिला था वो रख दिया। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लिखा है उसको केवल आपको भी लिख देना है। क्या लिखाएगा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा लिखाएगा k+1 × 3⁻¹ हो गया। इसके बाद आपको केवल सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे होगा, इस 4 को जो है हम लोग एलसीएम में ले लेंगे, तो यहां पर तो उतना ही रह जाएगा 2k−1 × 3⁻¹ k+1 +3 और 4 से यहां इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 × k+1 × 3⁻³ k+1। अब देखिए कि 3⁻¹ ये दोनों जगह है, यहां भी है 3⁻¹ और वहां भी है, तो दोनों टर्म में है ना, तो दोनों टर्म से उसको बाहर कर लेंगे हम, तो क्या बच जाएगा, ये जो है 3⁻¹ इसको हम लोगों ने कॉमन कर लिया, तो यहां पर बचा 2k−1 और ये +3 को जो है ना इसको बाहर लिख देंगे, +3 को जो है बाहर लिख देंगे,
और इसके बाद ये जो यहां से जो बचा क्या बचा, ये प्लस फोर बचा केवल, नहीं और के प्लस वन भी बचा, और के प्लस वन भी बचा, ये इतना बचा, के प्लस वन भी बचा। इसके बाद बाय में फोर है तो पूरे में कितना है, बाय फोर है। हमको लाना क्या है, तो लाना ये है कि जहां के है वहां आप के प्लस वन पुट कर दो, जहां के है वहां आप के प्लस वन पुट कर दे, काम बन जाएगा। कहां पर, इसमें, इसमें तो ये कितना हो जाएगा, टू के, टू इंटू के प्लस वन। ठीक है, मैं इसको यहां करता हूं, ये कितना हो जाएगा सर, टू इंटू के प्लस वन माइनस वन इंटू थ्री, यहां पर के प्लस वन डालेंगे तो थ्री पे पावर के प्लस टू हो जाएगा। हाँ या ना, थ्री पे पावर के प्लस टू हो जाएगा। इसके बाद जो प्लस थ्री है वो तो वैसे ही रह जाएगा, और अपॉन में फोर है वो भी ऐसा ही रह जाएगा। तो यानी कि फाइनली आएगा टू के प्लस टू माइनस वन इंटू थ्री टू दी पावर के प्लस टू। के प्लस टू और प्लस थ्री अपॉन में फोर। इसके बाद आप देखें कि यहां पर हो जाएगा टू के प्लस वन इंटू थ्री पे पावर के प्लस टू, और फिर से एक थ्री रहेगा यहाँ पर, और अपॉन में फोर। यानी कि आपको जो है फाइनली ये चीज लाना है, ये चीज अगर आ गया तो फिर आप कह सकते हो खूब अच्छे से कि ये चीज मेरा प्रूफ भी हो गया। ठीक है, ये चीज मेरा प्रूफ भी हो गया। कैसे करेंगे, थ्री टू दी पावर के प्लस वन तो आ चुका है, आ चुका है। इसके बाद इसको क्यों ना हम लोग सॉल्व करके देखें कितना आता है या नहीं। थ्री टू दी पावर के प्लस वन यहां पर रह जाएगा, टू के माइनस वन प्लस फोर के प्लस फोर, और यहां है प्लस थ्री अब वन में पूरा फोर। थ्री टू दी पावर के प्लस वन इंटू, अब यहां देखिए टू के और ये जुटेगा तो ये हो जाएगा सिक्स के, और ये हो जाएगा प्लस थ्री, और एक प्लस थ्री बाहर में है। हाँ ऐसा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होना है। अब की बार जो है इस दोनों से हम लोग थ्री को कॉमन कर लेंगे, यहां पर के प्लस वन है ही, थ्री को कॉमन करेंगे तो यहां पर बच जाएगा टू के, और यहां पर बच जाएगा प्लस वन, और यहां बच जाएगा प्लस थ्री, अपॉन बच जाएगा फोर। ये चीज कर सकते हैं। अब देखिए यहां ये इंटू में है, और ये पावर जो है वो क्या होगा, जुटेगा, और बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। के प्लस वन पहले से था, अब की बार के प्लस टू हो जाएगा। इसके बाद क्या बच रहा है, टू के प्लस वन बच रहा है। इसके बाद क्या बच रहा है, प्लस थ्री बच रहा है, अपॉन में फोर बच रहा है। क्या यही चीज प्रूफ करना था, यही चीज प्रूफ करना था, यानी कि वो चीज जो है वो आ भी गया है। तो जो आप नोट करेंगे वो केवल उसको नोट करेंगे, ये चीज काम जो है आपको कहीं रफ में करना है। तो इसको अभी चाहे तो इसको रफ में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको कहीं भी उधर पीछे में, चूंकि इसको केवल चेक करना होता है इसको लाना क्या है भैया, तो हाँ लाना यही चीज है, तो केवल इसको जो है वहां रखते हैं, ठीक है, बगल में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जो है मैं रब कर देता हूँ। चलिए हो गया है नोट।